राइट, अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर एम एन भट्टाचार्य फ्रॉम बंगलुरु। भट्टाचार्य जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? मतलब मेरे पास में स्विट्जरलैंड है 1700, ओके, और 1340 का लिया हुआ है, और एनएमडीसी है 400, और वो लिया हुआ है 203 का। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नोट किया, दोनों नोट कर लिए मैंने। चलिए तो पहले एनएमडीसी पे बात कर लेते हैं, जहां आपको 26 रुपए का प्रॉफिट है, आपकी 203 की खरीदारी है ना, तो 26 रुपए आप ऊपर हैं। क्या करना चाहिए सर इनको एनएमडीसी में? देखिए आपने अभी जी एनएमडीसी पे मैंने अभी रिकमेंड भी किया, क्योंकि किया है इलेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, बुलिश पैटर्न बना है, आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करिए। पोजीशनल बेसिस पे आपको 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि अगर ये 245 248 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 270 से लेकर 280 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो 224 का स्टॉप लॉस आज का रिकमेंडेशन भी है मानस साहब का, तो आगे अगर बढ़िया चला तो 270 रुपए तक के ऊपर जाएगा, तो ये तो होल्ड करना है सर भट्टाचार्य जी एनएमडीसी। दूसरा सर इनके पास सुजलॉन जो कि 1700 शेयर हैं और करीब 40 रुपए 39.90 यहाँ 40 के भाव पे, हालांकि है इनको प्रॉफिट, अभी पिछले कुछ दिनों में सुजलॉन ने थोड़ी उड़ान भर ली है, तो ये 40 रुपए के ऊपर है प्रॉफिट पे पर शेयर में। तो देखिए यहाँ पर केवल आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके पोजीशन को होल्ड करिए, टेक्निकली देखें तो शायद 100 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन काफी वोलेटाइल स्टॉक है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 69 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन को होल्ड करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए 69 पे स्टॉप लॉस सुजलॉन पे और 100 रुपए के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह सुजलॉन एनर्जी।